ये जो हम कोकोनट ऑयल निकाल रहे हैं इसकी क्वांटिटी हमने एक बार में 25 किलो लिया है। और कितना तेल निकलता है उसमें से? ये इसमें से आपको तेल मिलेगा कम से कम 13.5-14 लीटर आपको ऑयल निकलेगा। ओके दोस्तों, अगर मैं नारियल के तेल की बात करूँ ना तो मेरे को मेरी सबसे पहले जो माइंड में आते होते दादी, क्योंकि भाई पहले के जमाने में ना ये डालडा रिफाइंड में कुछ यूज नहीं होता था, वहाँ सिर्फ यूज होता था कोकोनट का तेल, नारियल का तेल जिसको हम कहते हैं। बचपन में तो मेरे को आज भी याद है, जब मैं छोटा होता था ना और मैं गिर जाता था तो मेरी दादी यही बोलती थी डॉक्टर के ले जाओ, मेरी दादी बोलती थी कि भाई इसको नारियल का तेल लगा दो, क्योंकि भाई हेल्थ के लिए अच्छा है ना, बूढ़ों को पता है, बुजुर्ग लोगों को पता है। बिल्कुल, ये सारी प्रोसेस आपके सामने है, आप देख सकेंगे कि किस तरीके से प्योर विदाउट केमिकल विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट एनी सिंथेटिक एसेंस मिक्स किया हुआ प्योर कोकोनट ऑयल आपको देखने को मिलेगा। अगर प्योर और अच्छा वाला तेल आप यूज करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट आपको अपने आप देखने को मिलेंगे। तो हम चाहें तो अच्छा खाएं, और खासकर हमारा ऑयल अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑयल अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। व्हाई? बिकॉज हर दिन हम हर फूड में भारतीय व्यंजन बिना तेल के बन ही नहीं सकता दोस्तों। इसको 2-2.5 घंटे लगते हैं कम से कम, और भाई ये स्लो है तभी बेनिफिशियल है, क्योंकि यार आपने देखा होगा जैसे कि हम कोयले पे खाना बनाते हैं, लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो वो धीरे बनता है, मगर वो अच्छा होता है। ये पूरे क्रश में से सिर्फ 55% ऑयल आता है और 45% जो वेस्ट बचता है वेस्ट में ही वो ऑयल रहता है, मतलब ये 100% एक्सट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है। ये 45-50 डिग्री के अंदर ये मैन्युफैक्चर होता है। अगर हम 100 डिग्री के अंदर कोई भी चीज बनाते हैं खाते हैं तो वो एटलीस्ट आपको कुछ हद तक फायदा देगा। बाहर जो मिलता है वो 100 नहीं भाई, वो तो 200 के ऊपर, वो 200 भी मैं कम बता रही हूँ। वो आप जाएंगे अगर मील देख लेंगे ना तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी भाई, तेल तेल से संन्यास ले लिया जाए, तेल खाया ही ना जाए, ऐसा आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे ये रहता सेम हमारा ही, ये देखो भाई ये निकलना स्टार्ट हो चुका है पूरा। मैम तो कितना टाइम हो गया अपने आउटलेट को? ये 6 साल से ज्यादा हो गया है, और हमारी कईयों के सवाल होते हैं कि ये प्योर है क्या, ये सही है क्या, हमें शुद्ध ही मिलेगा क्या? अब कोई आपसे पूछे ना कि ये प्योर है नहीं, आप उनको ये वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो भेज देना, खुद देख लो भाई। और क्या चाहिए तुम्हें? और ज्यादा दिक्कत हो तो भाई यहाँ आ जाना, 2 घंटे खड़े हो जाना, निकलेगा तब प्योर निकाल के ले जाना। जो चोरी करता नहीं, जो गलत काम करता नहीं, उसे किसी भी बात का डर नहीं होता। सही बात है। मैम अगर मैं इसकी शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो कितनी रहती है? अगर आप इसे ईटेबल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ है 4 महीने, और अगर आप एक्सटर्नल लाइक हेयर एंड स्किन के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप साल भर भी यूज कर सकते हैं, 6 महीने भी यूज करते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, साइड इफेक्ट तो होना नहीं है, चाहे 2-4 साल बाद भी यूज किया जाए। प्रॉब्लम एक ही है, इसका एरोमा बदल जाता है, और असली तेल की यही पहचान है कि एक टाइम पीरियड के बाद उसका एरोमा बदलना ही है। केमिकल को बाय बाय करेंगे, क्रीम्स को बाय बाय करेंगे, जो आपको फॉल्स प्रॉमिस करती है, जो आपको कहती है कि नहीं गोरे को काला काले को गोरा कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर आज बात क्या होती, मैं तो बहुत गोरी हो जाती थी, समझ में आया? मतलब मैं तो एकदम फिरंगी बन जाती थी। लोगों का वहम हो चुका है कि यार काला गोरा भेदभाव लोगों ने चालू कर दिया, और वो पता है क्यों कर रहे हैं? क्रीम्स के चक्कर में, क्योंकि ऐड आती है ना, काले को गोरा कर देंगे, गोरे को काला कर देंगे, भाई गलत है, चीजें बंद करो मेरे हिसाब से तो, और अपना नेचुरल चीजें यूज करनी शुरू करो, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें मत यूज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हेल्थ खराब कर ही रहा है। ये तेल तो हमारा यूज हो जाएगा, पर जो पाउडर बच रहा है ऊपर का, इसका क्या होगा? जो ये पाउडर बचता है उसे हम एज अ कैटल फूड यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये पूरी तरीके से ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होता, 50-55% मैक्सिमम ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो इस वेस्ट में भी 45% ऑयल बचता है जो जानवरों के लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, जानवरों के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, तो पानी ऐड करेंगे तो आप डर मत जाइएगा कि ये तेल और पानी का क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हम मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा पानी हम ऐड करते हैं, और एक टेम्परेचर, और फिर ये घर्षण होकर एक टेम्परेचर निर्माण होता है, उससे इस तेल के अंदर जो भी पानी का अंश होता है वो वाष्पीकरण द्वारा निकल जाता है, गर्म होता है। तेल और पानी का संगम भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कभी मिलेंगे ही नहीं, अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक है, पर फिर भी वीडियो में हर किसी के मन में कुछ भी आ सकता है, तो सिर्फ क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या बात है दोस्तों, अपने ना उन दोस्तों को, और उन दोस्तों को नहीं मैं कहूंगा, उन लड़की दोस्तों को, उन गर्ल्स दोस्तों को टैग करो वीडियो के अंदर जो सनस्क्रीन यूज करती है, क्रीम यूज करती है, उन्हें बताओ कि भाई अपना गोले का तेल हिंदुस्तानी बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई क्रीम नहीं है, उनको टैग करो जल्दी जल्दी वीडियो के अंदर, और उनके शेयर कर दो वीडियो, उनको पता चल लीजिए बेनिफिट्स नारियल के तेल के। इसको कितना टाइम हो गया आपका आउटलेट को स्टार्ट करे हुए? 6 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। और पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं जर्नलिस्ट रही हूँ, पेस्ट्री रिपोर्टर रही हूँ। तभी आप इतने स्माइलिंग फेस के साथ कैमरे के सामने आ रहे हो, और अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन और इलैबोरेट कर पा रहे हो, बिकॉज एक्सपीरियंस पहले का भी है। हाँ, ये जरूरत भी है ना, जो आप काम करते हो अगर वो यहाँ और यहाँ का कनेक्शन यही है ना, जो भी हो दिल का कनेक्शन हो जाता है, तो वो जो बात होती है ना वो बहुत सही निकलती है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम पैकिंग करते हैं, या कोई हमसे परचेस करता है, तो इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, कस्टमर को अपनी जगह पर रखकर कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते, हम ना ही डिस्काउंट
डिस्काउंट देते हैं ना ही हमारी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शायद ये बात किसी को अच्छी लग सकती है, नहीं लग सकती है, लेकिन यस हम क्वालिटी फोकस बहुत करते हैं। सर भी प्रॉपर रीजनल न्यूज चैनल एंकर रहे हैं 24/7 और हम दोनों का बैकग्राउंड एक ही रहा है। जर्नलिस्ट की जोड़ी आज इस काम में है, तो इस काम से कैसे एकदम से कनेक्शन मिला? ये मेरे फादर इन लॉ का एक्चुअली वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनका ही कहना था कि भाई इतने लोग ट्रेनिंग लेते हैं, व्हाई नॉट यू गाइस। और मेरी ना कॉस्मेटिक में जॉब गई थी, आई वॉज अ वेली दुखी वो साल 2014 से लेकर अब तक की जर्नी ना, लोगों को आज मेरा चेहरा हंसता दिख रहा है, पर बैकड्रॉप की जो हर किसी की एक कहानी होती है, तो वैसे मेरी भी स्टोरी है, वो स्ट्रगल, वो सारी चीजें, बैंकर अकाउंट एनपीए में जाना, बैंकों के फोन आना क्योंकि मैंने घर खरीदा था, कुछ जिम्मेदारियां थी शादी के पहले वो थी, ऐसी कई चीजें थी जो ऐसा लग रहा था कि अब हम मैं वैनिश हो चुकी हूँ, अब सारे दरवाजे बंद हो चुके, अब कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि और जहाँ चाह है वही राह है। ये चीज, ये जो कोर्ट्स होते हैं ना, ये गलत नहीं होते मेरी लाइफ में, तो मुझे लगता है ये कोर्ट्स बहुत सही है, हर चीज सही होती है। और होता भी है कि आप कुछ सवाल अगर आपके मन में है ना, और सच्चे मतलब आप प्योर हो दिल से, तो ना वो सवालों के जवाब थ्रू कोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, इंस्टा पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते वो कोर्ट आएगा आपके सामने और उसमें आपको जवाब ढूंढना है। दोस्तों अब देख रहे हो ये तेल पूरा का पूरा ऊपर आ चुका है, तो भाई ये है प्योरेस्ट फॉर्म, ये वाली जो है इसे इसको ओवरनाइट रखा जाएगा, जिससे कि इसके जो फाइबर्स होंगे बैठ जाएंगे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाता है तेल, जब आप अभी मैं आपको फ्रेश ऑयल भर के दिखाऊंगी तो काफी धुंधला सा दिखेगा, लेकिन ओवर द नाइट के बाद वो तेल एकदम क्लियर हो जाता है। क्या बात, तो भाई पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया तेल इसके अंदर आ गया, और इसके बाद जाता है पैकिंग के प्रोसेस में। कौन कौन साइज अपना अवेलेबल हो जाते हैं बता दो प्लीज। मिनिमम आपको 60 ml से स्टार्ट होगा, 60 ml मिलेगा आपको, 100 ml मिलेगा, 200 ml मिलेगा, हाफ लीटर, 1 लीटर, और फिर जिस तरह से डिमांड होगी हम उस तरह से पैक कर कर कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और फोन नंबर और बता दो। तो हमारा फोन नंबर है, कॉलिंग नंबर है 9819514272। अगर कॉलिंग बिजी आता है कॉन्स्टेंट, कई बार आप ट्राई करेंगे, कईयों की प्रॉब्लम्स मुझे बाद में बता देंगे भाई बहुत दिन ट्राई किया नहीं लगा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, मैसेज, वो भी व्हाट्सएप मैसेज मुझे ड्रॉप करें। हम मैसेज आपको कभी होगा थोड़े समय बाद, बट रिप्लाई हमारे तरफ से एक घंटा, दो घंटा, दो दिन, एक दिन, मतलब आ जाएगा मैसेज का रिप्लाई। मुझे भी कस्टमर की जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको इग्नोर करूंगी। और मैम अगर किसी कस्टमर को अपने घर पे मंगवाना हो तो हम हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और सबसे आजकल की एकदम वेब वाली दुनिया है, तो हमारी वेबसाइट है www.ecoshoreoils.com। आप यहाँ पर भी हमारी ऑर्डर, हमें ऑर्डर दे सकते हैं, और इन सब से भी नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज है, वेरी रीचेबल, वेरी कन्वीनियंट, तो आप हमें वहाँ जरूर कनेक्ट करें। हमारे दो आउटलेट हैं, एक आउटलेट हमारा थाने में है जो कि हमारा सिर्फ सेलिंग आउटलेट है, और मेन हमारा जो सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग आउटलेट है वो है नासिक में। यहाँ पर दो आउटलेट हैं, एक गंगापुर रोड एक एरिया है, एक गोविंद नगर एक एरिया है। तो मैं आपको गंगापुर रोड का एड्रेस बता ही देती हूँ, ठक्कर रिट्रीट बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, गंगापुर रोड, गंगापुर जूना नाका, नासिक।